हे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम एक न्यू स्टोरी सुनेंगे। ये स्टोरी है कोलंबस के बारे में। इस स्टोरी का नाम है साहसी नाविक कोलंबस। साहसी नाविक कोलंबस के पिता एक जुलाहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनका पुत्र भी कपड़े बुनने का काम करे, किंतु उनका मन तो इस कार्य में लगता ही नहीं था। वो तो नाविक बनना चाहते थे। उसे समुद्र यात्रा की कहानियाँ सुनने में बहुत आनंद आता था। आखिर एक दिन वह नाविक बन ही गया। उसने भारत आने का निश्चय किया। उसने सोचा, क्यों ना भारत की खोज की जाए। वो निकला तो भारत की खोज के लिए था, लेकिन उसको तो कुछ और मिल गया। वो क्या मिला? कोलंबस पुर्तगाल पहुंचा। उसने वहाँ के राजा से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग ढूंढने के लिए सहायता मांगी, परंतु राजा ने इनकार कर दिया। फिर वे स्पेन पहुँचा। वहाँ की रानी इजाबेला ने उसकी सहायता की। 3 जहाज़ों को लेकर कोलंबस यात्रा के लिए चल पड़ा। उसके जहाज़ पश्चिम की ओर रवाना हुए। मार्ग में कोलंबस को अनेक कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तूफान आए, जहाज़ खराब हुए, मोहल्लों ने विरोध किया, किंतु कोलंबस नहीं घबराया। वह सभी मुसीबतों को पार करता हुआ आगे बढ़ता ही गया। रात दिन चलते चलते अनेक दिनों के बाद उन्हें लगा कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। दूर ज़मीन होने का आभास मिल रहा था। रात में कुछ प्रकाश भी दिखाई दिया। आखिर वे एक तट पर जा पहुँचे, जहाँ लाल रंग के आदमी रहते थे। कोलंबस ने उन्हें भारतीय समझा, अंत उनका नाम रेड इंडियन रखा और उस प्रदेश का नाम वेस्ट इंडीज। वास्तव में वह प्रदेश मध्यम अमेरिका का पूर्व किनारा था। के निवासियों ने कोलंबस और अन्य नाविकों का खूब स्वागत किया। कुछ दिन वहाँ ठहरने के बाद कोलंबस स्पेन लौट गया। वहाँ पर उसका भव्य स्वागत हुआ। इस प्रकार कोलंबस ने एक बड़े देश की खोज की। इस तरह से कोलंबस ने, जो कि भारत की खोज में निकला था, उसने अमेरिका के एक किनारे की खोज की। एक अमेरिका का उसने खोज किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।